उत्तर प्रदेश के हथरस में हुई युवती की बलात्कार एवं हत्या मामले में आज पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज में मशाल जुलूस निकालकर न्याय की मांग की। नेताओं ने बताया कि जिस तरह से युवती के शव को परिजनों को न सौंपकर उसे जलाने का काम किया गया तथा उसके बाद ना ही किसी सामाजिक कार्यकर्ता को या मीडिया को परिजनों से मिलने दिया जा रहा है, ये यूपी सरकार की तनाशाही का स्वरूप है। ब्यूरो रिपोर्ट गोपालगंज। और हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि हम लोग के जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद किसी शव को हम लोग नहीं जलाते हैं, और यहाँ उनके इशारे पर उनके प्रशासन जो वहाँ पे है 12 बजे रात को उस लड़की को ले जाकर और खेत में जलाते हैं, उसके ऊपर डीजल पेट्रोल डाल के जलाया जाता है। मतलब निकाले हैं यूपी सरकार के गुंडागर्दी को देखते हुए, वहाँ की जो सरकार है हमारे माननीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बर्बरता व्यवहार किया गया, उनको धक्का देकर बीच चौराहे पर गिराया गया, सबके सामने उनका इज्जत लिया गया। एक रेप होता है, एक बेटी की रेप होती है, और उस परिवार से, पीड़ित परिवार से अगर कोई मिलने जाता है तो उसको मिलने नहीं दिया जाता है, रातों रात उसका दाह संस्कार बिना परिवार वालों की उपस्थिति में किया जाता है। ये कौन सी न्याय है? ये किस न्याय की बात करती है सरकार? ऐसी सरकार से सरकार ना रहना बेहतर है। इस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की हम मांग करते हैं। पप्पू यादव जिंदाबाद, गोपालगंज की जनता जिंदाबाद। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या कहेंगे? अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ की जो योगी सरकार है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। गोपालगंज में बिहार में देखा जा रहा है आचार संहिता लगा हुआ है, तो ऐसे में किसे मना? आचार संहिता लगा हुआ है, हम लोग एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, एक समाज को न्याय दिलाने की काम कर रहे हैं। इसमें ना तो कोई आचार संहिता का उल्लंघन वाला मामला है और ना ही कोई विरोध में काम हम लोग। बुलंदशहर हुआ, ऐसे ऐसे जगहों पर आए दिन प्रतिदिन वहाँ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, बलात्कार होकर हत्याएं की जा रही है। इस सरकार के विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार जो है गुंडागर्दी पर उतारू हो गया है और कंप्लीट यूपी में बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हत्या हो रही है, और वहाँ पर पुलिस का जो गुंडागर्दी है उससे बड़ा गुंडागर्दी जो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उसको शर्म होनी चाहिए जो किस बिंदु से, किस स्थिति से वो योगी लिख रहा है, जिसके राज में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह रहे, जिसके राज में हमारे माँ बहनें सुरक्षित नहीं रह रहे। इतने बड़ी अथी हुआ जो सरकार बना तो कहा जे यहाँ से जितने भी क्रिमिनल है यहाँ से की तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो अपने आप सरेंडर कर दे। यहाँ जो हो रहा है आए दिन देखने को मिल रहा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है वो एक तरफ से देखा जाए तो गुंडा है। मुख्यमंत्री अगर होता तो इस तरह का बलात्कार नहीं होता। आज जो हो रहा है वहाँ पर ये शर्मसार कर देने वाली बात है। आज हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ हत्या हो रही है, उसके साथ बलात्कार किया है, उसके घेंट का रीढ़ का हड्डी तोड़ा जा रहा है, उसके बाद उसके परिजन को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसके परिजन को लाश को नहीं दिखाया जा रहा है, रातों रात वहाँ पुलिस गुंडागर्दी करके रातों रात पेट्रोल छिड़क कर उस लाश को जलाया जा रहा है। वहाँ का डीएम कह रहा है जिस तरह का कोई संज्ञान नहीं है, बताइए इतनी बड़ी शर्मिंदगी क्या कहेगा। यहाँ का सरकार जो है अपने आप गुंडागर्दी पर उतारू है और यहाँ कोई ना न्याय है ना कोई अथी है, कंप्लीटेड गुंडागर्दी की तरह सरकार चल रहा है। देखिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो यूपी में एक बहन के साथ जो बलात्कार किया गया, जिस तरह से उसके साथ दरिंदगी की गई, पहले उसका बलात्कार होता है, फिर उसके बाद उसके रीढ़ की हड्डियों को तोड़ जाती है, उसके बाद उसके हाथों को तोड़ा जाता है, उसके पैर को तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको जुबान को काट दिया जाता है, और ये 8-10 दिन के बाद ये मामला भी दबाया जा रहा था, लेकिन जब वो अस्पताल में दम तोड़ देती है, जब सोशल मीडिया पे लोग जागरूक हुए, उसके बाद उस मामला को आज यहाँ तक लाया गया है, और ऐसी दरिंदगी उसके साथ की गई। उसके बाद वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जो योगी सरकार है, योगी सरकार नहीं उसको ढोंगी सरकार कहना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े हिंदूवादी नेता अपने को कहते हैं, और एक हिंदू धर्म में
ये कहा गया है कि हम लोग का जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद किसी शव को हम लोग नहीं जलाते हैं, और यहाँ उनके इशारे पर उनके प्रशासन जो वहाँ पे है 12 बजे रात को उस लड़की को ले जाकर और खेत में जलाते हैं, उसके ऊपर डीजल पेट्रोल डाल के जलाया जाता है, मतलब मर्डर के ऊपर एक मर्डर किया जा रहा है। उसके बाद वहाँ जब उसके पहले जब हॉस्पिटल में उसके उस लड़की के भाई, उस लड़की के माँ, उसके लड़की के बाप उस बॉडी के लिए तरस रहे थे, मांग रहे थे, गाड़ी के आके सो गए थे, उसके बाद भी उस बॉडी को नहीं सौंपा जाता है। हम ये जानते हैं कि किसी हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके बॉडी लेने के लिए तरह तरह की प्रूफ दी जाती है कि मैं उसके घर का हूँ, मुझे ये बॉडी दी जाती है, वहाँ पे ना किसी से प्रूफ ली जाती है और ना ही ऐसा कोई कार्रवाई की जाती है। किसी तरह ये जो साक्ष्य है उसको मिटाने के लिए ये सरकार के इशारे पर ऐसा काम किया जाता है। और आज देखिए वहाँ पे मीडिया के लोग जब जा रहे हैं उस दलित परिवार से मिलने के लिए, तो उसके छोटे से घर में जिस घर में 20 लोग नहीं ठहर सकते हैं, वैसे घर पे 200 पुलिस को वहाँ ये सरकार पहरा लगा देती है ताकि उससे कोई मिल नहीं सके। उसके छत पे पुलिस, उसके गांव में पुलिस, और चारों तरफ से सील बॉर्डर कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए हैं, कोई जाएगा उसको गोली मार दिया जाएगा, उसकी मर्डर हो जाएगी, इस तरह से वहाँ व्यवस्था ये सरकार की है। किसी भी मीडिया के लोग को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सब देखते हुए आज पूरे देश में उस बहन के लिए आंदोलन ये किया जा रहा है। हम लोग जन अधिकार पार्टी के तरफ से आज गोपालगंज में उस बहन को न्याय दिलाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर उन दोषियों को फांसी की सजा नहीं होती है और अगर ये सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है, तो ये जनता जो सरकार को उस राजगद्दी पर बैठाने के काम करती है, ये जनता को बखूबी आती है उस गद्दी से उठा के फेंकने के लिए। और हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और उस सरकार को वहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे जब तक हमारी दलित बहनें, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, 49% महिलाएं हैं, अगर उनको ये सरकार कोई भी सरकार सुरक्षा नहीं देती है, तो ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे। और ये आज हम लोग टेलर आज चेतावनी दिए है, ये जंग अब चालू हो गई है, रुकने नहीं जाएगी जब तक ये हर सरकार सुरक्षित न कर ले। और खासकर से यूपी में जिस तरह से ये बलात्कार, रेप, हत्या कांड, अपहरण किया जा रहा है, गुंडों को संरक्षण दे रही है सरकार, ये सिर्फ वहाँ गुंडों के पाल रही है। जो भी सामाजिक लोग है, जो भी अगर वहाँ आवाज उठा रही है सरकार के खिलाफ, उसको जेल में बंद किया जा रहा है, या तो उसको मर्डर कर दिया जा रहा है, इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। ये सब देखते हुए हम लोग ये यहाँ से एक आंदोलन का शुरुआत किए हैं, और ये आंदोलन तब तक होगा जब तक उस चारों दोषियों को फांसी की सजा नहीं हो जाती है, हम लोग रुकने वाले नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार बादल हुआ, मैं जन अधिकार पार्टी के जिला महासचिव हूँ।